ब्रेव फाइंडर के कॉमन कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो कॉमन कैरेक्टर्स में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया फैलस कैसा होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं और वो जेनेटिक पार्ट होते हैं, पढ़ा था ना? यानी कि ब्रेव फाइंडर की खास बात होती है कि जो इसके कॉमन कैरेक्टर्स में ये बात कि जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी क्या होगी, उससे राय जेनेटिक आपको यूनिक चाहिए, मतलब सिंगल लेयर हो सेल की या फिर हो डाउट, ठीक है? और इसमें रेस्टिंग फेज नहीं होती जायगोट बनने के बाद, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका नाम होता है एंड्रियम, जिसमें क्या बनेंगे, एंड्रोजाइट्स बनेंगे और जायगोट्स में जब तक बिल्ड नहीं हो जाएंगे, है ना, तब तक वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं होंगे। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम क्या है, आर्गियोनियम। आर्गियोनियम के अंदर वेंटर होगी और नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट से एंटर करके वेंटर और एग सेल में एंड्रोजॉइट एंट्री करेगा और एग सेल से फ्यूज होगा और फ्यूज होने के बाद जायगोट और जायगोट जैसे ही फॉर्म होगा तुरंत जर्मिनेट होकर के न्यू ग्रैंड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, यानी कि उसने कहीं कोई रेस्टिंग फेज नहीं हो गए बात यहाँ तक आगे। फर्टिलाइजेशन में कोई लाइन रिक्वायर्ड है? वाटर इज रिक्वायर्ड एंड वाटर इज रिक्वायर्ड सो जायगोट इज फॉर्म्ड, सो जायगोट इज फॉर्म्ड ऐसे करा। अच्छा कीमोटैक्टिक एक और होगी, आगे लिखो पॉइंट बता रहे हो, आफ्टर फ्यूजन ऑफ After fusion of male and female gametes form zygote. Which forms embryo without resting space? Which forms embryo? E-M-B-R. Without resting space. Without resting space. Embryo. Which forms embryo without resting? Yes. Listen. Oh. Dekho, embryo is matlab bahar ki taraf open, ठीक है, ओपनिंग वाला सिलेक्ट उसे कहते हैं एक्सोस्कोप। आगे लिखो एम्ब्रियो फॉर्म्स अगले लाइन अगला पॉइंट एम्ब्रियो फॉर्म्स स्पोरोफाइट। Which is differentiated into foot, seta, and capsule. Foot, F-double-O-T, seta, S-E-T-O, foot, seta, and capsule.
Next point. Due to meiosis. Due to meiosis, sporophyte forms haploid spores. Spores form protonema, P-R-O-T-O-N-E-M, protonema or gametophyte after germination. जो ब्रायोफाइट है ना उसकी बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, जैसे ये ब्रायोफाइट है, एक एग्जाम्पल है मार्किंग, ठीक है, और एक एग्जाम्पल होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो
प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं एरस। ऐसी प्लांट बॉडी जो रूट स्टेम लीफ सबमिट डिवाइड लीफ डिफरेंशिएट लीफ क्या कहते हैं एरस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रूट का काम कर रहे हैं ना, वैसे बोलते हैं क्या राइजोइड्स। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का काम करेगी ये, इसकी थैलस बॉडी हो गई है ना, क्या हो गई थैलस क्या बॉडी हो गई। इसमें मिड वेन में मेन एक्सिस क्या उसको बोल सकते हैं, मेन रिब क्या एक्सिस। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये होती है जमखा। हाँ जमखा, अलग हो गए जहां भी गिरेंगे वही ले आओ। ठीक है, जैसे रोज में होता है कि उसकी स्टेम अगर रखे और स्टेम में बढ़ जाए तो उसको आप जहां ग्रो करोगे वो नई ग्रोथ करने लगता है, प्लांटेशन करने लगता होता है ना ऐसा। जैसे पोटैटो है तो बड वाले पोटैटो को अगर आपने जमीन में रख दिया तो वो रोज करके पोटैटो होता है। हाँ, लेकिन ये लिया बड वाला नहीं पता आलू होता आलू पोटैटो। हाँ वही जिसके पराठे। इस पोटैटो में ऐसे कुछ होल जैसे होते हैं, इसे बोलते हैं पोटैटो बड या आंख, हिंदी में उसे आंख बोलते हैं। अगर आपने इस पोटैटो का इतना हिस्सा कट कर दिया, बड वाला कट कर दिया और अब इस हिस्से को आप ग्रोथ करवा रहे हो यानी गमले में लगा दिया आपने, पानी वानी दे रहे हो, कुछ दिनों बाद आप इसमें सैपलिंग दे दो यानी पेड़ अच्छा हो जाएगा, फूल आ जाएगा, वाइट वाइट कलर में सारा प्लांट ग्रो हो गया। उसके बाद जब पूरा हो जाए तो आप उसे रेक्ट बाहर निकाल, तो इसके रूट में आपको कम से कम 5 आलू मिल जाएंगे। तो एक टाइम के पराठे, ठीक है, ये यहाँ इस तरीके से। ठीक, तो ये होती है बर्ड वाली। इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है ना, इसे कहते हैं वेजिटेटिव या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। से क्लोन बनते हैं, ये 100% सिमिलर है ना उसके क्लोन। ऐसे ही यहाँ गैमेटोफ, ये गैमेटोफ यहाँ से अलग हो जाएंगे और अलग होकर के नया फैलेगा। ठीक, इधर सुनो, ये होती है मेन स्ट्रक्चर। मेन स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, एंथ्रीडियम। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो एक ने तो बताया बच्चे तो बहुत है क्लास में। एंथ्रीडियम से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बोली जाएगी, एंथ्रोजोइट्स। एंथ्रो एंथ्रोजोइट्स कहाँ जाएंगे, वाटर। ये क्या है, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो नेक होती है और एक वेंटर होती है, वेंटर और होती है क्या नेक। वेंटर के अंदर क्या होता है एग्स है, ये एंथ्रोजोइट यहाँ से एंट्री करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वेंटर के अंदर जो एग सेल है वो और ये क्या था एंथ्रोजोइट, दोनों मिलकर के क्या बोले जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो एग सेल और एंथ्रोजोइट मिलकर के क्या बनाएंगे बताओ, जाइगोट। ये जाइगोट ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के बाद एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर यही ग्रोथ करेगी, यही ग्रोथ करेगी और यही फिर वो आगे ग्रोथ करते करते क्या पहले समझ फिर बना रहे, तुम सुन नहीं रहे उसका मतलब।
तो जाइगोट आगे ग्रोथ करता है और क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट कैसा है, ड्यूअल टाइप का है ना। अगर ये मियोसिस करे, क्या करे, मियोसिस करे तो एक स्ट्रक्चर बनती है। अगर वो सीधे स्ट्रक्चर बेस्ट तरीके से समझ लें तो आप मार्केशिया में नहीं। फ्यूनेरिया में क्या है, ये मेल प्लांट है ना, ये पेरेंट प्लांट है। ये पेरेंट प्लांट ने क्या किया है ना, ये ग्रोथ करेगा, मेल फीमेल स्ट्रक्चर होगी, एंड्रोजॉइट हो गया है ना। उसके बाद कौन बचा, एग सेल, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन गया। अब ये जायगोट क्या करेगा, ग्रोथ करने के बाद एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है, इसे बोलते हैं सीटा। अंदर इसमें नीचे होंगे उसे बोलेंगे फुट, और ये होता है कैप्सूल। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है फुट सीटा और इधर कैप्सूल, जिससे समझ कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं हम, स्पोरोफाइट। ये सब टू एंड है, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स अब क्या करेंगे, मियोसिस, और उसके बाद प्लांट बनेंगे। और जो प्लांट बनेंगे, मियोसिस से कितनी सेल बनती है, मियोसिस में वन सेल फॉर्म्स न्यू फोर सेल, and four new cells contain half chromosome, पता होगा ना। हाँ, तो कुछ तो बना देंगे male plant, male gametophyte, और कुछ क्या बनाएगी, female gametophyte, यानी कि आप बोल सकते हो new thallus। बोलो कोई डाउट क्या था, समझ आ गया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है, इनका लाइफ साइकिल। ये यहाँ मियोसिस करेगा तो ये अलग तरीके की गैमेटोफाइट बनेगा, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल। याद रखना ये अलग है, वो अलग है, मार्केशिया अलग है, फ्यूनेरिया अलग है। मार्केशिया एंथ्रोसिरोस एंड फ्यूनेरिया, उसके बाद ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, फिर लाइक ए होगा। फिर ये यूनिट खत्म होगी ना, फिर उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बोलेंगे। किस तरीके का है पिछली यूनिट में लिखवाए, तो याद दिला देना दोनों के साथ।
Have you taken Beta here? Look at distribution, heading the total image of this is so bad when you came with a अच्छा एक बात बताओ ये पूछा जाता है कैमी तो फाइव इंडिपेंडेंट है या स्कोर सर्विस इंडिपेंडेंट कौन है कौन जो खाना बना रहा है दूसरे को दे रहा है वो इंडिपेंडेंट होगा तो कौन खाना बना रहा है दूसरे को दे रहा है स्कोर फाइव खाना बना रहा है और दे रहा है इसका मतलब तुमने कुछ नहीं अभी अभी देखा तुमने देख लो पेरेंट पार्ट है गेमी टू फाइव वो खाना दे रहा है उसके ऊपर कौन उगा हुआ है उसकी जगह एक्टिव है और वो टू वन टाइप का है तो वो खाना ले रहा है समझ आएगा तो इंडिपेंडेंट कौन होता है गेमी टू फाइव और खाना कौन खा रहा है इसको फाइव जैसे ऐसे समझ लो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हो नहीं करते हो अभी करते हो ना तो पेरेंट्स ने बना दिया यहाँ तक पहुंचने लायक लेकिन जब तक खुद कुछ बनने लायक नहीं हो जाओगे कुछ बन नहीं जाओगे तब तक तुम वहीं से लोगे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए तुम होगे पेरेंट्स के लिए तो तुम नेक्स्ट जनरेशन होगा उनकी तो जब आगे वाली जनरेशन पुरानी जनरेशन से खाना लेती है तो वो डिपेंडेंट है ना ऐसे आएगा स्कोर ऑफ फाइट इज डिपेंडेंट ऑन हिम ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चे कंफ्यूज ही हो कि कौन किस पर डिपेंड है ठीक है तो याद रहेगा ग्राफ पैटर्न में कौन किस पर डिपेंड है एस एस डिपेंड करता है जी ठीक है ऐसे याद रखो एस मतलब सन और जी मतलब ग्रैंड पेरेंट से लेकर के सारे सारे में सारे खुशी ये देखो महान प्यास है डिस्ट्रीब्यूशन देखो ब्रायोफाइट अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखो ब्रायोफाइट्स अकर इन टेम्परेट एरिया मोस्टली ज्यादातर टेम्परेट में मिलती है जो थोड़ा ठंडे का थोड़ा बहुत ज्यादा दे आर स्प्रेड ऑन अर्थ They are spread on earth. They occur in कौन कौन से जगह मिलेंगे ट्रॉपिकल टू देखो अकर इन ट्रॉपिकल टू Polar region. ठीक है आगे हैबिटेट 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 हैबिटेट
Habit and habit. Habit and habit. Kuska bhi likh rahi ho, kuska bhi likh rahi ho. Aur tum apna nahi ho, kuski mera bhi ho. Likho. Habit and habit. Isme likho. Show two types of plant bodies. Two types of plant bodies in gametophyte stage. In gametophyte stage. पहले लिखो हेलोइड फॉर्म. हेलोइड फॉर्म. दूसरा लिखो लीफी फॉर्म. लीफी पत्ती जैसे. चलो आगे. हेलोइड एंड लीफी टाइप. आगे देखिए पॉइंट है ना, है ना. ये देखो मैं आपको बात कर रही हूं. देखो हेलोइड एलॉयड प्लांट अकर इन प्रोस्ट्रेट. एलॉयड प्लांट अकर इन प्रोस्ट्रेट पोजीशन. प्रोस्ट्रेट पोजीशन बट आपको आगे ना प्रोस्ट्रेट पोजीशन बट लीफी प्लांट हैलस शो वेरी बहुत सारे प्लांट शो प्रोस्ट्रेट और गैग पोजीशन. पॉइंट लिखो प्लांट्स आर वेरी स्मॉल. Very small. Plants are very small. Bracket में लिखो mm to cm मतलब millimeter से centimeter. mm to centimeter in size. In group they form cushion. Answer. Cushion. वही तकिए वाला cushion. 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 क्या लिखा? In group they form cushion on shedding moist cells.
Go. Some are aquatic bugs. Aquatic. Some are aquatic bugs. Example. Rickshaw. R-I-C-K-A-W. Rickshaw. Remittance. Rickshaw. Remittance. Come on, real. R-I-E-L-L. आगे लिखिए जीरो फाइटिंग मॉस पॉइंट आ रहा है मतलब सामने जो आपने लिखा था पॉइंट में मिलेगा पॉइंट में मिलेगा ए गैर एंड में मिलेगा तो लिखो जीरो फाइटिंग मॉस ये एक्सेप्शनल केस है जो पता होने चाहिए जीरो फाइटिंग मॉस इसमें लिखो टॉर्टुला टी ओ आर टी यू एल टॉर्टुला आगे लिखिए एपीफाइटिक पॉइंट जैसे जीरो फाइटिक था ना ऐसे लिखिए एपीफाइटिक ड्राइवर या एपीफाइटिक मॉस एपीफाइटिक मॉस बताओ क्या होता है एपीफाइट सुने होंगे ना पहला मैंने सुना तो फिर सुनो एपीफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ करते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं लेते मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे बस उसकी सरफेस पर वो ग्रो करते ठीक है कोई पैराजीन नहीं है कोई भी किसी भी तरीके का उनसे कनेक्शन नहीं है बस वहां पर होते हैं ठीक है तो ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं लेकिन उससे कुछ भी लेते लेते नहीं तो क्या कहते हैं एपीफाइट एपीफाइट की खास बात ये है कि जैसे नीम पीपल वगैरह बड़े पेड़ हैं उनके ऊपर ही ग्रोथ करते हैं और इनकी रूट जो होती है ना एपीफाइट की वो हैंगिंग होती है सुन लो हवा में उड़ती रहेगी जड़ और जब एयर में है तो उनके वो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी ना तो उनके अंदर एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे कहते हैं वेलामेंट और वो वेलामेंट टिश्यू क्या करता है एटमोस्फियर की जो ह्यूमिडिटी है मॉइस्चर है उसको अब्सॉर्ब नहीं समझ में आया आज तो मैं सर्च कर रही हूँ ठीक है और लिखना डांसिंग डॉल क्लाउड डांसिंग टाइम क्या डांसिंग डॉल क्लाउड ऐसे क्लाउड होते हैं जो अच्छा लगता है कि ये हाथ पकड़ के हुई है ना ऐसे भी क्लाउड होता रहता है बाकी का कलर